झुंझुनू में जिला मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर बालिका छात्रावास में डॉक्टर एसडी चौबदार फाउंडेशन की ओर से ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। फाउंडेशन के डायरेक्टर एमडी चौबदार और पूर्व पुलिस महानिदेशक आरपी सिंह ने फीता काटकर ई लाइब्रेरी का आगाज किया और इस मौके पर एमडी चौबदार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लाइब्रेरी में अध्ययन कर जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को सफल करेंगी तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। उन्होंने अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी के सभी सदस्यों को विश्वास दिलाया कि छात्रावास या अन्य सामाजिक सरोकारों के विकास में हम आपके साथ हमेशा भागीदार रहेंगे। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग पितुराम काला, जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारूपाल, सीडीपीओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में सामाजिक तौर पर जुड़े कई अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता इंद्राज भूरिया, पवन आलडिया, सुनीता भूरिया, सीताराम बुडाना, अजय काला, मुकेश हालू, अजय डलवास, मदन सिंह प्रेमी, राजू डिग्रवाल, पार्षद सहित कई लोग मौजूद थे और सभी दानदाताओं का शॉल उड़ाकर, माला पहनाकर और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की छात्रावास में ई लाइब्रेरी की स्थापना हो, आज से करीब एक महीने पूर्व है, तमाम सोसाइटी के लोग मेरे से मिले थे और आज हमारी संस्था डॉक्टर सलाउद्दीन चौधरी फाउंडेशन की ओर से एक शानदार ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें तमाम सुविधाएं दी गई, एयर कंडीशन, एलईडी, अच्छी बैटरी की सुविधाएं, तमाम महापुरुषों की किताबें और अन्य सिलेबस की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आज इस उद्घाटन के मौके पर हमारे पूर्व आईपीएस श्री आरपी सिंह जी, वर्तमान में आरएसी के आईपीएस श्री राजेंद्र कुमार जी, पीतराम जी काला साहब और महावीर जी सानेल साहब, संपत राम जी बारूपाल, सज्जाद जी और तमाम वेलफेयर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स और उनके संरक्षक और अफेक्ट्स के तमाम साथी और हमारी फाउंडेशन के वो नौजवान साथी जो हर वक्त इस ऐसे नवाचार करने के लिए अग्रसर रहते हैं, वो तमाम इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।